एक और सवाल है, कुर्बानी कितने दिन तक जायज है? कुर्बानी यौम नहर यानी ईद उल अजहा वाले दिन सबसे बेहतर है, लेकिन इसके बाद भी कुर्बानी जायज है अगरचे इसमें इख्तिलाफ है। हदीस की रूह से ईद उल अजहा यानी 10 जुलहज्जा के बाद 3 दिन 11 12 13 जुलहज्जा तक हो सकती है। 10 11 12 13 4 दिन बनते हैं। तो ईद के दिन को इस्तिलाही शरई में यौम नहर और बाद के दिनों को 11 12 13 को अय्याम तशरीक कहा जाता है। और इन 4 दिनों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया, और गिने चुने दिनों में अल्लाह ताला को याद करो। तो गिनती के चंद दिन से मुराद अय्याम तशरीक और यौम नहर है, फिर 3 दिन उसके यानी यौम नहर और 3 दिन उसके बाद। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने अपनी किताब गनियत तालिबीन में सईदना इबन अब्बास से अय्याम मादूदात की यही तफसीर नकल की है। तो जब यह साबित हो गया कि यौम नहर यानी ईद उल अज़हा का दिन 10वीं जुलहज्जा का दिन है और अय्याम तशरीक बाद के 3 दिन 11 12 13 हैं,